देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ क्यू इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, है ना, क्यू क्या है पी एंड आर से इक्वल डिस्टेंस पर है यानी समान दूरी पर है, फाइंड एक्स, यहाँ पर आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हमें क्या दिया हुआ, यहाँ पर अगर आप इस तरह से लिख लेते हैं, ये पॉइंट को मैंने नाम दिया क्यू, क्यू क्या बोला गया इस दोनों पॉइंट, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है पी और इस पॉइंट का नाम है आर। ठीक है, तो क्यू क्या है पी एंड आर से इक्विडिस्टेंस पर है यानी समान दूरी पर है। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, देखिए 0 एंड 1, पी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 5 एंड -3, एंड सिमिलरली आर का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x और 6। ये आपने समझा। अब हमें क्या दिया हुआ है, सिंस हमें दिया हुआ है कि क्यू पी इक्वल है किसके, क्यू आर के। ठीक है सॉरी, देखिए क्यू पी क्यू आर के इक्वल है ना, वाई बिकॉज गिवेन है ये हमारे पास, तो यहाँ आप लिख लेंगे गिवेन है कि क्यू पी क्या है क्यू आर के इक्वल है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि अगर आप स्क्वायरिंग कर लेते तो आपको रूट नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ हमने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, क्या हो जाएगा क्यू पी का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे क्यू पी, देखिए क्यू एंड पी तो क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा ना, ये आप इसको मान लीजिए x1 y1, ये हो गया आपके लिए x2 y2, पहले वाले को दूसरे वाले से दूसरे वाले को, तो 5 - 0 क्या हो जाएगा। यहाँ अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो आप फॉर्मूला भी एक बार लिख सकते हैं, देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए क्या बताया मैंने, फर्स्ट वन दैट इज 5 - 0 होल स्क्वायर, 5 - 0 और -3 and -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट वाले को माइनस कर दिया, सेकंड वाले। अब यहां देखिए x2 - x1 क्या हो जाएगा x - 0, x - 0 का स्क्वायर, y2 - y1 क्या हो जाएगा 6 - 1 होगा ना, 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब आपको जस्ट यहाँ एलिमिनेशन करना और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25, ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर होगा ना, एक लाइन आप चाहेंगे तो इस तरह से पहले लिख लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका जस्ट एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए आपके पास 25, ये हो गया आपका +16 क्योंकि माइनस का स्क्वायर आपने पढ़ा है प्लस होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 25 एंड 25 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बताइए 16। और लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आया है 16। अगर एक्स स्क्वायर हमारा 16 है तो एक्स इक्वल क्या होगा √16, स्क्वायर इस तरफ से हट जाने से उधर रूट होता है आपको पता होगा, तो एक्स इक्वल टू +-4, जब भी इस तरह से रूट से हम बाहर लाएंगे तो क्या लिखेंगे +-4। तो देखिए फर्स्ट वन ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ तक आपने समझा कि हमने एक्स वैल्यू निकाल दिया। अब हमें क्या करना है वो देखिए, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ आपको क्यू आर एंड पी आर के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। क्यू आर मतलब क्या हो गया, देखिए क्यू आर है ना, क्यू आर मतलब क्यू आर यानी एक्स माइनस दिस एंड 6 - दिस इसका फॉर्मूला, तो ये निकाल लेते हैं, देखिए डिस्टेंस ऑफ क्यू आर फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर सॉरी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा x2 - x1 कितना हो जाएगा बताइए x माइनस जीरो का होल स्क्वायर और y2 - y1 6 - 1, यहाँ आप लिख सकते हैं 6 - 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अच्छा एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर एक्स का वैल्यू हम +4 ले या -4 ले, क्योंकि स्क्वायर करना है तो -4 का स्क्वायर भी +16 होगा और +4 का स्क्वायर भी +16 होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लोग एक्स का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं यानी कि ये एक्स स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 16। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर कितना था हमारे पास, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कितना था हमारे पास 16, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैंने क्या लिख लिया 16। और अगर आप प्लस या माइनस कोई भी 4 ले लीजिए आपका 16 ही आएगा, और यहाँ कितना हो गया 25, इसको ऐड करिए कितना हो गया √41, 41 का स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ आप देखा, आपने देखा कि हमने क्यू आर निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पी आर, तो पी आर निकालेंगे हम लोग, है ना, थोड़ा सा इसको रब कर दें। ठीक है, इसको आप इतना कॉपी कर लीजिए, इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए
अब हमें क्या निकालना है, पीआर। तो पीआर निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ भी अब देखिए, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब फर्क पड़ेगा। अब अगर हम प्लस फोर लेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, माइनस फोर लेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, है ना। तो अब इफ यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि इफ एक्स इक्वल टू, सपोज करिए हमने प्लस फोर ले लिया, तो पी आर कितना आएगा वो निकाल दिया। देन पी आर इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला वही अप्लाई करिएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन क्या ले रहे हैं हम लोग, पी आर। देखिए P and R, तो X2 minus X1 क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वन से फर्स्ट वन को माइनस करेंगे ना, तो X minus 5 का स्क्वायर, फिर सेकंड से सेकंड को माइनस करिए, 6 minus, बताइए क्या होगा, 6 minus, ऑलरेडी यहां पर माइनस है तो माइनस और एक माइनस आप इस तरह से लिख लीजिए और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हमने क्या लिया था प्लस 4, तो यहाँ 4 minus 5 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 में से 5 गया तो माइनस 1 का स्क्वायर, और ये आपका हो गया 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, ये आपने पढ़ा है, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, या 9 का स्क्वायर 81। इसको अगर आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, रूट ओवर 82। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा कि इसको भी फिर हम लोग बाहर नहीं ला पाएंगे, तो यही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 82 का अगर आप निकालेंगे तो 2 से आपने किया 2, 4 जा 2 बन जाए, इससे ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, पेयर कहीं हमें मिला नहीं, तो यही हो गया ऐसा। तो ये कब आया, जब x वैल्यू हमने क्या लिया था प्लस 4। अब अगर हम x वैल्यू माइनस 4 लेते हैं तो क्या आंसर आएगा वो भी करिए, देखिए इसको थोड़ा सा रब कर दे, इसको आप कर लीजिए कॉपी, इसके बाद इसको रब कर लेते हैं, देखिए हो गया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब अगर इसी चीज़ को देखिए, यहाँ पर हमने इसके बाद आपको लिखना है कि एफ का एक्स का वैल्यू अगर हम लोग क्या ले लें माइनस 4, तब इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, देखिए अब हमने क्या लिया, x का वैल्यू माइनस 4, तब क्या हो जाएगा, फिर से देखिए, अब फिर x2 माइनस x1 है ना, तो x2 माइनस x1 क्या था, देखिए x2 माइनस x1 x माइनस 5 और y2 माइनस y1, तब क्या होगा 6 माइनस, देखिए 6 माइनस अगेन माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या लिया, x का वैल्यू क्या लिया माइनस 4, तो यहाँ पुट करते हैं माइनस 4 एंड माइनस 5 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका वही 6 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस फोर एंड माइनस फाइव क्या हो जाएगा, माइनस नाइन का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 9 का स्क्वायर, देखिए 9 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 9 का स्क्वायर 81, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 81। अब इसको आप ऐड करेंगे तो फिर आपको देखिए ऐड करेंगे फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको थोड़ा इजी ट्रिक क्या है, आप इसको 2 इंटू 81 लिख दीजिए, क्या लिख लीजिए इसको 2 इंटू 81, क्योंकि 81 दो बार है तो लिख सकते हैं ना 2 इंटू 81, और 81 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है क्योंकि आपने 81 9 का स्क्वायर करके लाया था ना, तो यहां से हमने एक 9 बाहर ला सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, बोलिए 9 रूट 2, ये आपने समझा, हमने क्या किया 81 का 9 बाहर लिया है। अगर आप ऐड भी करेंगे तो 162 इस तरह से आएगा, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी 9 रूट 2 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट्स दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो इस पॉइंट का आपने कुछ नाम देना है, तो देखिए मान लीजिए इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया क्या, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया पी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास एक्स वाई। अब हमसे बोला गया है कि पी इस दोनों पॉइंट से, मान लीजिए इसका नाम मैंने ए दे दिया और इस पॉइंट का नाम बी दे दिया, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बताइए 3 and 6, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है -3 and 4। हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है पी ए एंड बी से इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब समान दूरी पर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी, है ना, बोल सकते हैं ना, और यहाँ आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में गिवेन। अगेन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दीजिए जैसा हमने प्रीवियस वन में किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ताकि आपको रूट ना करना पड़े, तो यहाँ हो जाएगा आपका पी ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पी बी का स्क्वायर। ठीक है, पी ए मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, पी ए का स्क्वायर, तो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना चाहेंगे तो आप फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी क्या करेंगे, पी वी का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन बात कर रहे हैं हम पी ए का, तो पी एंड ए, देखिए पी एंड ए तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन क्या बोलेंगे बताइए, दिस माइनस दिस, या फिर आप ऊपर से भी कर सकते हैं, है ना, आप इसको एक्स वन वाई वन मानते हैं तो इसको एक्स टू वाई टू मान लीजिए, अगर आप इसको एक्स वन वाई वन मानते हैं तो इसको भी एक्स टू वाई टू मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिस माइनस दिस अगर हम कर ले, एक्स माइनस थ्री, यहाँ मैंने क्या किया
x माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस s1 ऐसे मान लेते हैं, x माइनस थ्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, y माइनस देखिए y माइनस सिक्स का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी करते हैं x2 माइनस x1, मान लीजिए इसको आपने x2 y2 माना और इसको x1 y1, तो x2 माइनस x1 यानी दिस माइनस दिस, फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले से सेकंड वाले को, तो यहाँ क्या करेंगे बताइए, x माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस है ना, तो या तो आप डायरेक्ट प्लस लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा y माइनस फोर का स्क्वायर। यहाँ पर यह कन्फ्यूज मत करिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार 3 माइनस एक्स करना हो, आप x माइनस थ्री भी कर सकते हैं, 6 माइनस वाई करना जरूरी नहीं है, y माइनस सिक्स भी कर सकते हैं, दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं, दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपने किसको x1 y1 लेट किया है, अगर आपने इसको x1 y1 लेट किया है या इसको x1 y1 लेट किया है, इस पर डिपेंड करता है, तो आप कहीं से भी माइनस करिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, तो टू इंटू ए इंटू बी प्लस, यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ, अच्छा यहाँ माइनस है तो माइनस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू बी। अब हम लोग यहाँ कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका x, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना, तो x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा आपको, ये क्या हो जाएगा x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखिए, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, तो टू इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ करिए y माइनस फोर का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर फिर से, y स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर और माइनस टू ए बी, तो यहाँ पर माइनस टू ए, ए क्या है आपका वाई और बी कितना आपका फोर, यहाँ तक आपने समझा। अब इसमें देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, थ्री का स्क्वायर भी प्लस में है, थ्री का स्क्वायर भी प्लस में कैंसिल हो सकता है, यहाँ देखिए वाई का स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी वाई का स्क्वायर प्लस में, ये भी कैंसिल हो गया हमारा। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, लिख लीजिए देखिए यहाँ पर थ्री टू जा, यहाँ लिख लेते हैं देखिए, थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स एक्स, ये समझा आपने, माइनस सिक्स एक्स, यहाँ देखिए सिक्स का स्क्वायर कितना हो गया थर्टी सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो माइनस ट्वेल्व वाई इक्वल टू, अब इधर आ जाते हैं देखिए यहाँ क्या हमारे पास, थ्री टू जा सिक्स एक्स, तो यहाँ भी सिक्स एक्स प्लस सिक्सटीन, फोर का स्क्वायर क्या होगा सिक्सटीन, तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन लिख लिया हमने, फोर टू जा माइनस एट वाई, है ना, आ रहा है यहाँ तक आपको समझ में कि हमने क्या क्या किया अभी तक। अब क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को फिर ले आइए, सबको अंदर ले आता है, देखिए माइनस सिक्स एक्स ये आ जाएगा, तो फिर से माइनस सिक्स एक्स, यहाँ क्या आपके पास माइनस ट्वेल्व वाई, ये हो जाएगा आपका प्लस एट वाई, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपके पास देखिए सिक्सटीन, और इसको अगर हम उस तरफ ले आ जाए तो माइनस थर्टी सिक्स, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ देखिए माइनस ट्वेल्व एक्स, अब इसको सॉल्व करिए, एट फोर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस फोर वाई होगा ना, सिक्स सिक्स ट्वेल्व हो गया, यहाँ हो गया आपका माइनस फोर वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए और फोर भी कॉमन ले सकते हैं, तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस फोर वाई कॉमन हो गया, उसी तरह से माइनस ट्वेंटी, माइनस माइनस कैंसिल, अब थ्री एक्स प्लस फोर वाई, सॉरी वाई थ्री एक्स प्लस वाई, ये फोर आप उस तरफ ले जाइए, कितना हो जाएगा ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर होगा ना, फोर से आप कैंसिल कर लीजिए, कितना हो गया फाइव, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू फाइव, ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर 3x प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए दिस वन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताइए, 3x प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, और ये हमारा हो गया रिलेशन, क्योंकि हमें बोला क्या गया है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। यही सिमिलरली यही क्वेश्चन, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल में मिल जाएगा, ठीक है। अब अपनी बुक में देखिएगा एग्जाम्पल नंबर फोर, पेज नंबर 160 में एग्जाम्पल नंबर फोर देखिएगा, वहाँ भी एक क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, सिमिलरली यही इसी टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट सेवन वन एंड थ्री एंड फाइव, तो ये आप एज ए होमवर्क कर सकते हैं, सेवन वन एंड थ्री फाइव, बस आपको यहाँ चेंज कर लेना है, देखिए यहाँ पर आप इसको चेंज कर लीजिए, इसके प्लेस में आप लिख लीजिए सेवन वन, ठीक है, और क्या लिख लीजिए इसके प्लेस में लिख लीजिए आप थ्री फाइव, और इसको आप होमवर्क के रूप में बनाइए, और इसका आंसर आपको अपनी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल में मिल जाएगा, पहले खुद से बनाइए फिर एग्जाम्पल देखिए उसको, उसके साथ आंसर मैच करिए कि आपको बन रहा है कि नहीं, आपने अगर ये समझ लिया तो ये भी आप आराम से बना लेंगे। क्या करना था इसमें देखिए, पी ए पी बी से इक्वेडिशन पता, तो हमने क्या किया पी ए इक्वल टू पी बी स्क्वायरिंग किया, फॉर्मूला अप्लाई किया और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।